आज इतनी शरारत करनी है कर ले बेटा, तेरे मम्मा आने वाले होंगे। वो भी हमें मिस कर रहे होंगे ना, लाइक अस। वो हमें मिस कर रहे होंगे या फिर आप उन्हें मिस कर रहे हो? चल शरारती ज्यादा हो बेटा। वैसे वो भी आने वाले होंगे। हाँ जी बेटा, तेरे मम्मा के आने से पहले पहले नाश्ता खत्म कर ले बेटा, वरना तुझे भी डांट पड़ेगी और मुझे भी। रमेश भैया एक और लाना। रमेश बेटा पहले फर्स्ट वन कंप्लीट कर। पापा मुझे टेस्टी नहीं लगता, हार्ड होता है, सो प्लीज प्लीज पापा। बेटा दिस इज रॉन्ग, हमें अपने खाने की इज्जत करनी चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। पापा ये क्या वेस्ट है, आधे से ज्यादा तो खा लिया ना मैंने, और अगर वेस्ट भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? 20-30 रुपीज का पूरा पैकेट आ जाता है ब्रेड का, अब मेरी पॉकेट मनी से काट लेना। हमारे लोगों की यही प्रॉब्लम है बेटा, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है ना उतना ही ज़्यादा वो खाने की वेस्टेज करता है। आजकल की शादियों और पार्टियों में नहीं देखा, इतना खाना वेस्ट हो जाता है जिसे सैकड़ों भूखे लोगों का पेट भरा जा सके। जी पापा मैंने देखा है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। हमें भगवान का शुक्र करते रहना चाहिए बेटा, जो आज हम इस हालात में हैं कि अपनी मनपसंद का खाना पेट भर के खा सकते हैं, वरना हजारों लाखों लोग हर रोज भूखे रहते हैं। सच में पापा लोगों को भूखा रहना पड़ता है। जी बेटा जी, हमारे लाखों भाई बहन हर रोज भूखे रहते हैं, ये सिंपल ब्रेड और बटर भी उनकी पहुंच से दूर है। तो पापा हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए ना? हाँ जी बेटा जी करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें अपने खाने की इज्जत करनी होगी, इसकी वेस्टेज बंद करनी होगी, और इस तरह हम जो भी खाना बचाएंगे उससे अपने भूखे भाई बहनों का पेट भर सकते हैं, और सच मानना इससे हमारे दिल को भी बड़ा सुकून मिलता है। बटर लगा ले। और तुम्हें पता है बेटा, हमारे गुरु ने इसीलिए गुरु का लंगर चलाया था। आज भी गुरुद्वारों में हर धर्म के लाखों भूखे लोग अपना पेट भरते हैं, और वहां उन्हें प्यार से रहने का संदेश भी दिया जाता है। पापा जी आज से मैं कभी खाना वेस्ट नहीं करूंगा, और जो भी खाना बचाऊंगा उसे अपने भूखे भाई बहनों का पेट भरूंगा। आई प्रॉमिस पापा। दैट्स लाइक अ गुड ह्यूमन बीइंग। लेकिन बेटा अब दूसरों का पेट भरने के चक्कर में खुद भूखे मत रह जाना। अब ये क्या कर रहा है तू? वो आज मैं खाने से पहले प्रेयर करना था, भूल ही गया, और मम्मी मुझे इस बात के लिए भी डांटती है। चल शरारती जाना होवे तो। रमेश अब ला दे इसको एक और मेरी चाय भी गर्म कर दे, इसके चक्कर में सब ठंडा हो गया। तेरे मम्मा आने वाले होंगे, उससे पहले पहले नाश्ता खत्म कर ले, वरना तेरी खैर नहीं। उनके आने के बाद ही पता चलेगा किसकी खैर नहीं। चल शरारती। और लो मम्मी आ गई। बेटा जल्दी खाना फ्रेश कर, वरना तुझे भी डांट पड़ेगी और मुझे भी। रमेश तुझे बड़ी जल्दी है दरवाजा खोलने की, ये मरवाएगा हमें।